करना पड़ता है, दो तीन बार हो चुका है ऐसे। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है MBPSN व्यापम के यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप सभी एक घंटे ईमानदारी से मेहनत करते हैं मेरे साथ, तो प्रॉमिस गाइस, आपकी MP पुलिस में इस क्लास से 5 नंबर पक्के हैं। तो आप सभी तैयार हैं 5 नंबर के लिए मेहनत। और ये जो PDF फाइल है आपको आज ही दूंगा, आज ही याद करना। तो सभी मेरे विद्यार्थी जल्दी से आ जाइए। कितने मेरे विद्यार्थी तैयार हैं याद करने के लिए? पहले तो इस क्लास की लिंक को आप सभी शेयर मारो, जल्दी से आप शेयर मारो। 8 मिनट लेट हैं, चलो 6 नंबर दिलवाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट आने का लेट दिलवाऊंगा, बस लेट आया हूँ, 1 मिनट इसका भी मिलेगा। तुम जल्दी से पहले शेयर दबाओ, जल्दी से अपने अपने दोस्त जो है, तुम्हें अपने PS पुलिस की वास्ता, सभी अपने अपने जो है व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ इसको, अभी क्लास की लिंक को जल्दी से बुला लाओ सभी को। हर विद्यार्थी को इस क्लास से 5 क्वेश्चन। मैं दिन में नहीं ले पाया, आपकी दिन में क्लास थी ये, पर मैं जहाँ तक मेरे पास अभी भी लगभग आप सभी के लिए 65 मिनट है, 65 मिनट में करा लूँगा। थोड़ा बहुत छूट जाए, लगा लिया चलो बेटा मैं चेक करूँगा, संध्या नंबर सेव है मेरे पास, सोच लेना, नंबर सेव है मेरे पास, ठीक है। सभी से चाहिए मुझे, मैं सबसे देख लूँगा कौन कौन ने शेयर किया, सूर्या ने किया है कि नहीं किया है, स्वाति ने किया है, सभी लोग स्टेटस बना लो, ठीक है। और अच्छा सा हेलो बेटा गजेन, वेलकम। अनूप का सेव नहीं, आज सेव कर लूँगा, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो जल्दी से शेयर दबा लो जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते। अगर आप सभी MBPSC की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ और MP पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड रूप लाइव डालें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो MPGK का टेस्ट आपके लिए तैयार है। MPGK का टेस्ट जो है आज 8:25 पर स्पेशल क्लास में रहेगा। दूसरा पेपर आपका 9:45 पर है, MPPSC की टेस्ट सीरीज। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और फिर एक और MPGK का पेपर रहेगा जो स्पेशली MPPSC वालों के लिए है। तो अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आज 11:05 पर रहेगा। तो ज्वाइन करें आप मेरी क्लास रूप से डाल के। मध्य प्रदेश एक सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश अध्ययन में स्पेशल, सामान्य हिंदी, मध्य प्रदेश समसामयिक, ये मेरी सभी पुस्तकें कॉस्मोस पब्लिकेशन से आती है। मध्य प्रदेश कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी, मध्य प्रदेश समसामयिक, संवैधानिक व सांविधिक संस्थान आयोग, एक और मेरी पुस्तक। आप सभी अनअकैडमी रूप से टेलीग्राम से भाई नोट कर लो, जल्दी से टेलीग्राम पर सर्च कर लो अनअकैडमी रूप से, यहाँ से ये PDF फाइल डाउनलोड करोगे और यहाँ से आप सभी याद करना है। इस PDF इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जाकर जैसे टेलीग्राम पर नाम सर्च करोगे आपको सभी PDF फाइलें इससे मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों, आप सभी की स्पेशल क्लास मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी मेरा रेफरल कोड रूप से डालना ना भूलें। 8 दिसंबर से आपको MPPSC का एक नया बैच MPPSC का जो है 15 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि प्री प्लस मेंस का बैच है। अगर आप ज्योग्राफी आपको आती नहीं है और ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो ज्योग्राफी की नई क्लास जो है 23 दिसंबर से शुरू होने वाली है। और अगर आप MPPSC प्रीलिम्स में है कमजोर और आपको निकालना है PSC, तो आपकी यूनिट 9 यूनिट 7 का नया बैच शुरू हो चुका है 10 तारीख से। 6 दिसंबर से MP हाईकोर्ट का एक नया बैच शुरू हुआ था। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो भी रेफरल कोड रूप से डालते हैं तो आप सभी को 2 ईयर पर मिलेगा 3 मंथ, और 1 ईयर पर जो है
टू मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसके अलावा 19 दिसंबर सुबह 10 बजे लक्ष्य प्रीलिम्स 2021 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स आपके पास रहेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छा है और आप जानते हो कि हम इसमें टॉप कर सकते हैं, टॉप करने पर फर्स्ट रैंकर को अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही JBL के हेडफोन, गूगल मिनी ड्राइव, अमेजन बाउचर। इसके लिए आपको क्या करना है, रेफरल कोड डालना है रूप सर और अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास में सबसे पहले मामा जी, वर्तमान समय में इनका पता नहीं है कहाँ पर चले गए हैं। तो एक सेकंड विद्यार्थी रुकना, ये चाहिए, योर बैटरी इज रनिंग लो, क्यों इसका चार्जर कहाँ लगा। बेटा एक सेकंड रुकना, इसके चार्जर केबल कौन सी है। और सुन पा रहे हो विद्यार्थियों, आप सभी को सही है, अभी आप सुन पा रहे हो। चलिए चले विद्यार्थियों, थोड़ा सा बेटा सुन पा रहे हो, एक सेकेंड और रुकना, ये क्या हो गया। चलिए बालको आ रही है वॉइस क्लियर, थोड़ा सा बेटे क्या लैपटॉप बंद होने पर है तो मैं थोड़ा चेक कर लूँ। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे विद्यार्थियों। पहले शिवराज सिंह चौहान के संबंध में आपके सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सीएम, ये कंफर्म पुलिस के पेपर में आना है। दूसरा क्वेश्चन, बिना कैबिनेट के मैक्सिमम समय तक के सीएम कौन थे, तो मैक्सिमम समय के सीएम यही रहे। कहां से आते हैं, बुधनी हाल ही में चर्चा में क्यों है, यहां खिलौना महोत्सव मनाया गया, क्या रहोगे, खिलौना महोत्सव कहां मनाया गया था, तो यहीं पर। दूसरा, खिलौना क्लस्टर कहां बनाएगी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश पहला खिलौना क्लस्टर जो है यहीं बनेगा। दूसरा, बुधनी ये इनका विधानसभा क्षेत्र है, क्या रहोगे, विधानसभा क्षेत्र क्या है, बुधनी। इसके अलावा सीहोर के बुधनी में ही रेलवे स्लीपर कोच फैक्ट्री का है, तो रेलवे स्लीपर कोच फैक्ट्री जो है यहीं पर स्थित है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो है कितनी बार चुने गए, 4 times सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान, कितने टाइम्स है, 4 times जो है सीएम बनने वाले ये रहे। इनमें किसके नाम पर जगह ली थी, बाबूलाल गौर कहां से, इनका विधानसभा क्षेत्र था भोपाल से, 9 अपने संसद विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे। बाबूलाल गौर को हम क्या कहते हैं, बुलडोजर कहा जाता है, क्या बोला जाता है इनको, बुलडोजर। ये सीएम कब बने थे, 29 नवंबर 2015 को, किसकी जगह पे बनाया गया था इन्हें, बाबूलाल गौर के जगह पे बना। एमपी का सबसे कम समय का सीएम, तो सबसे कम समय के सीएम अर्जुन सिंह थे, वो भी 1 दिन, लेकिन इन्हें इस्तीफा दे दिया तो कई जगह इनका नाम नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर रहे थे राजा नरेश चंद, कौन रहोगे, राजा नरेश चंद जो है
आपके दूसरे नंबर पे सबसे कम समय के सीएम, फिर फर्स्ट सीएम कौन था? पहला सीएम रविशंकर, फर्स्ट सीएम कौन है? रविशंकर शुक्ल जो है आपके पहले सीएम। दूसरे नंबर पर मैक्सिमम सीएम तो दिग्विजय सिंह, कौन रखोगे? दिग्विजय सिंह है सेकंड नंबर पर मैक्सिमम समय के सीएम। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल या गवर्नर कौन सा है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब देखो क्रम आपको महत्वपूर्ण रखना है, 19वें नंबर के क्रम के ही शिवराज सिंह चौहान है, 19वें नंबर के क्रम के ही जगन मंगू भाई जगन भाई पटेल जो एमपी के राज्यपाल हैं, ये गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। क्या रहोगे? गुजरात के सीएम कौन है? मंगू भाई छंगू भाई पटेल जो है गुजरात के सीएम रहे। अब 23वां नंबर बेटा इनका कैसे क्रम में है? जो पद के क्रम में, व्यक्ति के क्रम में इनका 23वां नंबर है। तो वहां देख लेना पद के अनुसार पूछ रहा है कि व्यक्ति के क्रम के अनुसार। अब आ जाओ आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है एमपी की दूसरी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। पहला कौन थी? सरला ग्रेवाल। इसके अलावा ये यूपी की भी राज्यपाल रही। गुजरात की पहली महिला सीएम कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल थी। एमपी का पहला राज्यपाल कौन था? बी पटामी सीतारमैया। इनके संबंध में 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आता है। क्या होगी? त्रिपुरी अधिवेशन कब आता है? 1939 में, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस और पटामी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन इस पद में जो है इनकी हार होती है। तब गांधी जी ने कहा था इनकी हार मेरी हार। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ इस्तीफा देते हैं और 1939 में क्या किया था इनने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्या होगी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए? 1939 में। राजधानी क्षेत्र अपने एमपी का क्या है? भोपाल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा कितनी है? 11। विधानसभा सीटें कितनी है विद्यार्थियों? 230। चलिए यहां तक क्लियर हुआ हो तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, जल्दी से क्लियर हो गया यहां तक चलें। चलिए चलिए बेटा, मैं कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, मैं एक सेकंड उधर सिस्टम खोल दूं, ये थोड़ा सा चलिए। अरे यार वीडियो क्यों नहीं चल रहा? बेटा पता नहीं है जो है वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, देखना क्लास चल रही है क्या नहीं। बेटा नितिन थोड़ा वॉइस बताओ बेटा, थोड़ा वीडियोस में दिख नहीं पा रहा है, सही चल रहा है? राखी इसमें देखो जो यार, ये भी आज ही डिस्को करना है इसको, क्या चलना। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। साइकिल यात्रा हाल ही में कहाँ निकाली गई? तो साइकिल यात्रा जो है रीवा में निकाली गई थी। कहाँ पर? रीवा में। अब जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। कितने नंबर के हैं? 18वीं नंबर के गिरीश गौतम जो है अध्यक्ष हैं। कितने नंबर के रखोगे? आपके टोटल नंबर कितना? 18। कहाँ से आते हैं ये? रीवा से।
चौथी बार विधानसभा के लिए रीवा से निर्वाचित हुए। इस साल इनने जो है रिसेंटली साइकिल यात्रा निकाली गई थी। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में साइकिल यात्रा निकाली गई? तो एमपी में जो साइकिल यात्रा निकाली गई वो रीवा में। एमपी में पहला विधानसभा अध्यक्ष, एमपी का फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाता है तो कुंजीलाल दुबे। क्या रहोगे? कुंजीलाल दुबे। ये जो है मैक्सिमम टाइम के विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम समय के एमपी में विधानसभा अध्यक्ष, वो भी मैक्सिमम सब। तो कौन रहे मैक्सिमम समय तक? ध्यान रखना, कुंजीलाल दुबे रहे। इन्हें एमपी में क्या कहा जाता है? विधि पुरुष बोलते हैं। क्या बोलोगे आप सभी? इन्हें विधि पुरुष के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो एमपी के 18वें नंबर के सीएम रहे थे कमलनाथ। कमलनाथ का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कमलनाथ मेरे विद्यार्थियों किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? छिंदवाड़ा से। कहां से आते हैं ये विधानसभा क्षेत्र? छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये चुन के आते हैं। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों मैक्सिमम समय तक, भारत के सबसे लंबे समय तक लोकसभा सदस्य रहने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? कमलनाथ के नाम है। ये कहां से है? छिंदवाड़ा से। जन्म इनका कहां हुआ था? कानपुर में। वर्तमान में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये कौन है? भूरी बाई। भूरी बाई को मध्य प्रदेश में नई ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई किसकी? संस्कृति विभाग ने। हाल ही में भूरी बाई को 2021 में 2020 के लिए पद्म श्री अवार्ड भी मिला है। क्या होगे? पद्म। किस समुदाय से आती हैं? भील समुदाय। ये कौन है? चित्रकार है। इसके अलावा झाबुआ इनका स्थान है। इन्हें देवी अहिल्याबाई उस शिखर सम्मान इन्हें दिया जा चुका है। क्या रहोगे? देवी अहिल्याबाई और शिखर सम्मान इनको दिया गया है। चलें चलें मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से लाइक कर लो सभी विद्यार्थी, लाइक कर लीजिए जल्दी से। बेटा कल राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 27वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ चुने गए हैं। कल ही इनने एक डिसीजन दिया है कि जो मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाओ पीएससी के लिए। अब जो है 22 दिसंबर को जो पीएससी में रोस्टर प्रणाली थी उसको हटा दिया गया है। जो कमलनाथ जी आए थे जब सीएम अपने बने थे तो उनने क्या है रोस्टर लाए थे। रोस्टर के अनुसार जो जिस कैटेगरी में है वही कैटेगरी में निर्वाचित हो सकता है, वही में वो पास माना जाएगा। लेकिन भारत जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए अब जो आरक्षित वर्ग कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो शामिल हो सकते हैं जनरल में। और 2019 में जो विद्यार्थी इस कारण सेलेक्ट नहीं हो पाए तो ओबीसी के विद्यार्थियों के पास एक मौका भी रहेगा 2019 का मेंस देने का, और 2020 का भी रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई। इसी वीकेंड में प्री का रिजल्ट भी आ जाए। अब आओ मेरे विद्यार्थियों, तो 27वें नंबर के हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। इससे पहले ये उत्तराखंड में कारवक मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे। इनसे पहले कौन थे? 26वें नंबर के मोहम्मद रफी। फर्स्ट कौन थे? मोहम्मद हितायतुल्ला साहब। कौन रखोगे? मोहम्मद हितायतुल्ला। ये एमपी के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। साथ में इनके बारे में ये राष्ट्रपति भी बने और उपराष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचे। एमपी हाई कोर्ट कहां है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की खंडपीठ कहां पर है? तो एमपी की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। कहां रहोगे? इंदौर और ग्वालियर में। कब इसकी स्थापना हुई थी दोनों खंडपीठ की? 1969 में। कब की थी विद्यार्थियों? 1969 में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल करता है।
कौन करता है मेरे विद्यार्थियों? राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत स्थापित। अब सुन मजिए, प्रशांत सिंह जो है कितने नंबर के हैं? 19वें नंबर के। ये थोड़ा सीक्वेंस 19 नंबर का सीक्वेंस है। 19 नंबर के प्रशांत सिंह बने हैं। किसकी जगह? पुष्पेंद्र कौरव। पुष्पेंद्र कौरव वो थे जो सबसे कम समय में महाधिवक्ता उप महाधिवक्ता बने थे। क्या रहोगे? सबसे कम आयु में 33 वर्ष की उम्र में महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और 17 में 2000 में पहली बार महाधिवक्ता के पद पर रहे। अब इन्हें जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। कहां पर रहोगे? एमपी हाई कोर्ट में इन्हें जज बना दिया गया है। चलिए, पहला महाधिवक्ता कौन था? तो महान्यायवादी पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। ये जो है के वेणुगोपाल जो है पहले वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। और एमपी में कौन है? एम अधिकारी, जो कि 1956 में बने थे। चलिए बालकों, यहां तक कोई डाउट्स है तो जल्दी से पूछ लो मेरे विद्यार्थियों। जल्दी से कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। जल्दी से पूछ लीजिए, फिर चले अपन आगे। जल्दी से लाइक करो, शेयर करोगे कि नहीं? पीडीएफ फाइल पता है कहां से लेना है सभी को? चलिए स्वाति, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं? तो ये है, आप सभी को पता है, इकबाल सिंह जो है मुख्य सचिव हैं। इनकी रैंक कौन सी है? 33वें नंबर के। मध्य प्रदेश के 33वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इकबाल सिंह। पहले कौन थे? एच एस खामत, जो कि 1956। इनसे पहले कौन था? गोपाल रेड्डी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक और चीज बेटा, महिला आयोग जो है मुख्य सचिव भी पूछी जाती है। वैसे तो आप सभी को याद है महिला मुख्य सचिव कौन है? निर्मला बुच है। कौन रखोगे? निर्मला बुच जो है एमपी की महिला मुख्य सचिव थी पहली। एमपी में मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार है। 13 सितंबर 1995 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। अब मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम कब मनाते विद्यार्थियों? 10 दिसंबर में। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब की गई? 1 फरवरी 1994। काम कब शुरू हुआ था? 15 फरवरी 1994 से हमने कार्य शुरू किया था। तो बसंत प्रताप सिंह जो है एमपी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं पहले कौन है? एनवी लोहानी। फर्स्ट कौन है मेरे विद्यार्थियों? एनवी लोहानी। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां तक विद्यार्थियों क्लियर? जल्दी से बताओ ना बालक को, यहां तक कोई डाउट्स हो तो पूछो जल्दी से। चलें, इन भी लोहानी अभी हैं। चलिए लाइक कर लो। अब आ जाओ पुलिस महानिदेशक। तो सुनो विद्यार्थियों, पुलिस महानिदेशक बनना है तो पहले बताओ मध्य भारत के पुलिस निदेशक कौन थे? तो रुस्तम जी। इनके नाम पर
पुलिस अकेडमी भी है इंदौर में। फिर इसके बाद पद हुआ महानिरीक्षक का, तो महानिरीक्षक कौन थे? फर्स्ट वीजी घाटे। कौन थे पहले? वीजी घाटे। फिर महानिदेशक का पद कब आया? तो महानिदेशक का पद आया 1982 में, और कौन बने? बीपी दुबे पहले थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आते हैं विवेक जौहरी। ये किसकी जगह आए हैं विद्यार्थियों? विजय कुमार सिंह की जगह। किसकी जगह आए हैं? विजय कुमार सिंह है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो स्थापना की गई थी कब की गई? 1854 में की गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो अभी कौन है? बीरा राणा। बीरा राणा जो है अभी अधिकारी हैं, और ये पहली महिला है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम कर रही है। इससे पहले बीएल कांता राव ने ही थी। कौन? बीएल कांता राव। निर्वाचन आयुक्त मैं बता चुका हूं आप सभी को, निर्वाचन आयुक्त के सचिव कौन है? दुर्ग विजय सिंह। चले अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 में की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल में। कहाँ रखोगे हेडक्वार्टर? भोपाल में। इसकी अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा, जो कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब बात करते हैं मेरे विद्यार्थी नेक्स्ट, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन? तो राजेश लाल मेहरा हैं। कौन रखोगे एमपी में? राजेश लाल मेहरा जो है अध्यक्ष है। इनसे पहले कौन थे? भास्कर चौबे थे, जो रिटायर हो चुके हैं। और एमपी के फर्स्ट कौन रहे हैं पहले नंबर के? तो डीबी रेगे। एमपी के जो आयोग की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1956 में स्थापना, ठीक है। गठन कब से स्टार्ट हुआ था? 1 नवंबर 1956 से अपन इसकी विधिवत शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस तारीख को हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है एमपीपीएससी आयोग बन के तैयार हुआ। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है अपना इंदौर। कहाँ रखोगे? इंदौर। एक और क्वेश्चन बनता है, एमपी वित्त आयोग, एमपी वित्त निगम कहां पर है? तो एमपी वित्त निगम भी 1955 में इंदौर में स्थापित किए थे। चलिए क्लियर वाला को जल्दी से लाइक करके शेयर करो। यहां देखो शेयर नहीं कर रहे, अपनी बातचीत हुई थी जैसे, आपने कहा था नियुक्ति पढ़ाओ सर हम शेयर करेंगे, जल्दी से अपने शेयर कर दो एक बार। क्या कहते हो पुलिस में एक नंबर दोगे कि नहीं? विवेक, नितिन, पुलिस में एक नंबर चाहिए भैया, सिलेक्शन चाहिए पुलिस के पेपर में, 80+ चाहिए मार्क्स सभी से। देखो कल करा दूंगा मैं भारत की अपॉइंटमेंट सभी अपडेटेड, आप सभी को कल भारत की अपॉइंटमेंट सारी करवा दूंगा, लेकिन कंडीशन है। और हाँ तुम्हारी फेवरेट सर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे? हाँ भाई मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स कहाँ से लोगे मेरे बालक को? अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल जाना है और वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करोगे, कर लोगे सभी, ठीक है। और जिस बालक की तैयारी अच्छी है वो इस क्लास के बाद 8:25 पर मेरे साथ एमपी जीके का टेस्ट देने, और टेस्ट में कोड क्या डाले? रूप सर, इस कोड डालकर ज्वाइन करना है। चलिए अब आ जाओ मध्य प्रदेश मानव अधिकार, तो नरेंद्र कुमार जैन है। कब स्थापना हुई थी? 13 सितंबर 1995 को। एमपी के जेल महानिदेशक कौन है? तो अरविंद कुमार हैं एमपी जेल निदेशक। महानिदेशक कौन है? अरविंद कुमार। मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण के आयोग के संचालक कौन है? रवि कुमार गुप्ता। इसकी स्थापना
1975 में की थी। कब रहोगे? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? भोपाल में। खेल मंत्री कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, खेल मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे, यशोधरा राजे जो हैं आपकी खेल मंत्री हैं। अब आ जाओ, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड के कौन हैं? तो ये हैं पवन कुमार जैन। कौन रहोगे? पवन कुमार जैन। हाल ही में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस साल जबलपुर। और इसमें ट्रेनिंग कहाँ की जाएगी होमगार्ड की? तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी की जाएगी। इन्हें जो है राष्ट्रपति के अवार्ड 2003 और 2013 में मिल चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। जबकि राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अभी कौन कौन है तो समझिए, डीपी अहिरवार, विजय मनोहर तिवारी, अरुण कुमार पांडे, गोला कृष्णा मूर्ति और राहुल सिंह, ये मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। और अभी जो रिसेंटली 2020 में अपॉइंटमेंट हुई वो इन दोनों की हुई थी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की है? 1956 में इसकी काम करना इसने शुरू किया। अब अभिलाष खांडेकर, कौन रखोगे? अभिलाष खांडेकर जो है इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? रोहित पंडित है। हेडक्वार्टर कहां पर है? इंदौर में। पहला क्लब, तो पहला क्लब कौन था? पारसी क्रिकेट, पारसी क्लब करोगे, पारसी क्लब 1890 में इसकी स्थापना। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम बोल दूं या होलकर स्टेडियम, तो ये भी इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये स्टेडियम जो है ग्वालियर में है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 1950 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसमें कप्तान कौन है एमपी क्रिकेट टीम का? देवेंद्र बुंदेला। देवेंद्र बुंदेला के रिटायरमेंट के बाद हरविंद सिंह सोढ़ी को चुना गया। नमन ओझा इसके बीच में चुने गए थे, नमन ओझा ने जब संन्यास ले लिया तो वर्तमान में कौन है? हरविंदर सोढ़ी जो है ये कोच के पद पर हैं। और एमपी में अभी जो इसमें क्रिकेट टीम है उसमें नमन ओझा के बाद कोई नया अपॉइंट नहीं किया गया है। तो बेटा ये अभी अकॉर्डिंग टू आपको देखना है ऑप्शन में क्या उपस्थित रहेगा। देवेंद्र बुंदेला के बारे में याद रखना, मैक्सिमम मैच खेले एमपी के लिए, मैक्सिमम मैच में कप्तान रहे एमपी के लिए, मैक्सिमम रन बनाए एमपी के लिए और मैक्सिमम शतक भी लगाए एमपी के लिए इनने। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, नियाज मोहम्मद खान ये मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। तो सीएम कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान। पहले कौन थे? फर्स्ट योजना आयोग के सीएम कौन रह चुके हैं? तो प्रकाश चंद सेठी। कौन रहे हैं? प्रकाश चंद सेठी। और उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी। इसके अलावा इसका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषक संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे पहले मनीष रस्तोगी थे, सचिन चतुर्वेदी से पहले कौन थे? मनीष रस्तोगी। चलिए तो बालक को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये मैंने महानिदेशक आपको करा दिया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम स्थापना कब किए थे?
1975 में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, भोपाल में। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री हैं, उषा ठाकुर वो इसकी अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो पीवी दीक्षित फर्स्ट के थे, वर्तमान में कौन है, नरेश कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश महालिखे लेखाकार इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्वालियर में, ये प्रधान हेडक्वार्टर है। और इसका उप ऑडिट कार्यालय कहाँ पर, भोपाल में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2004 में की गई, जबकि महालेखाकार के अध्यक्ष कौन है, रविंद्र कुमार हैं। चले तो बालको यहाँ तक, अब जो स्लाइड है इतना मैंने आपको कराया, उसका रिवीजन होगा। अब होगा रिवीजन का तांडव, जो है अब आपका रिवीजन का तांडव जो है अब होने वाला है। तो जल्दी से क्लास को लाइक करो, जल्दी से बेटा रिवीजन कराऊंगा, मुझे जल्दी चाहिए। ऑल क्लियर? अब देखता हूँ बेटा, निधि मुझे तो लोगों ने छोड़ भी दिया, 1 करोड़ रुपए तो दे दो। क्यों निधि शर्मा, 1 पेटी तो दो बेटा, छोड़ दिया जो है। अब वो कहाँ गई, भोपाल से भिजवाओ जल्दी, नहीं करना लाइक, पहुँचाऊँ तो मैं भारतीय जनजाति के पास, फिर भारतीय जनजाति के पास पहुँचा दूंगा, सोच रहे ना, हाय हेलो मत करना ज़्यादा। चलो अब आज विधानसभा अध्यक्ष कौन, गिरीश कुमार, और उपाध्यक्ष कौन है, हिना कांबरे। कौन है हिना कांबरे, कहाँ से आती हैं, लांजी से। कहाँ से आती हैं, लांजी। लांजी कहाँ पड़ता है, बालाघाट। नेता प्रतिपक्ष कौन है, कमलनाथ। मुख्य सचिव कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर के। कौन है, इकबाल सिंह। पुलिस महानिदेशक विवेक। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह। नंबर कौन सा इनका, 19 नंबर के। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र कुमार जैन। लोकायुक्त एन के गुप्ता। महालेखाकार रविंद्र पत्तार। राजनीति योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सचिन चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ईश्वरलाल पाटीदार। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला। पुरुषेंद्र कौरव कौन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 18वें नंबर के महाधिवक्ता। सबसे कम आयु में बनने वाले महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव। सबसे कम में उप महाधिवक्ता बनने वाले पुष्पेंद्र कौरव। सबको याद हुई स्लाइड भाई, अभी तक सारे बालकों को मैं याद करा पाया स्लाइड। बेटा इसी स्लाइड से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैंने जितना पढ़ाया पूरी एक स्लाइड में रिवीजन करा दिया, सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन सही हुए। चले आगे, चलिए अब आ जाओ राज्य युवा आयोग। देखो युवा मतलब अभय, अभय मतलब जीवनदान, बिना बह के रहने वाला। तो बिना बह के कौन रहता है, आज का युवा व्यक्ति कौन रखोगे बेटा, 19 नंबर के हैं प्रशांत सिंह। आज का युवा व्यक्ति कौन है, आपका अभय है। और ये अभय कौन है बता है, सूबी का भाई भी है अभय, उसका नाम भी अभय है। अब बताओ एसटी, एसटी कौन है, खेड़ी। अब राजू खेड़ी नाम है इसका, ठीक है, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। तो आपको जनजाति ऐसी ट्रिक बनानी है कि ये नाम आ जाए, तो कैसे आएगा, गोंड। इनको क्या बना दो अपन, गोंड, ठीक है, ऐसे करके। तो राजू खेड़ी गोंड एसटी के अध्यक्ष है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोटारी, ठीक है, ये एमपी के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सहकारी अशोक, कोऑपरेटिव बैंक के कौन है, अशोक हैं।
खेल परिषद के कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल राधे श्याम, माध्यमिक शिक्षा मंडल राधे श्याम। क्या रहोगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल राधे श्याम। और सड़क पे कौन बैठा है? प्रदीप जैन। सड़क पे कौन बैठा है? प्रदीप जैन बैठा है। भोपाल विकास प्राधिकरण के कौन है? बुद्धेश कुमार वैद्य। तो आप सुनो, भोपाल के जितने लोग हैं ना, सब वैद्य बन गए हैं। कहाँ पे बैठे हैं? रोड पे। तो भाई मुझे ऐसे करना है कि ये टर्म याद रहे, तो वैद्य। पशुधन कुक्कट विकास निगम कहाँ पे है? भोपाल में, कंसोटिया। अब देखो ये बहुत रेयर केस हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके पूछ भी सकता और नहीं भी, लेकिन एक क्वेश्चन आपको आना है, एक के लिए अपन को पूरा पढ़ना है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा। कब बनाया था? 23 मार्च 1998। महिला आयोग, महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी बताए, नियाज मोहम्मद खान, 1996 में से गठन। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोटारी, पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। सवाई सिंह जो है फर्स्ट थे। 14 जून 1994 को एमपी का पहला वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश नवीनीकरण और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया? तो चेतन सिंह सोलंकी। इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो भोपाल में चली, इसका नाम क्या है? राजा भोज। क्या रहोगी? राजा भोज मेट्रो। सुषमा दुबे इसकी संचालक हैं। एमपी में उद्योग मंत्री कौन है? राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। बदनावर इनका विधानसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहोगे? राघवेंद्र, राघवेंद्र शर्मा जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन रहोगे? राघवेंद्र शर्मा। उप लोकायुक्त कौन है? यूजी महेश्वरी और एस के पालो। रेरा क्या बोलते हैं अपन इसे? रेरा। एपी श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? एटोनी डीसा। फर्स्ट कौन थी विद्यार्थियों? इससे पहले एटोनी डीसा। रेरा का गठन करने वाला एमपी देश का पहला राज्य है। चलिए बढ़े विद्यार्थियों, जल्दी से कोई डाउट हो तो पूछें, फिर अपन आगे चले। जिससे जल्दी से लाइक कर लो, एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए। कल बेटा मैं इसके बाद मध्य प्रदेश की फर्स्ट कराऊंगा। कल मैं आपको पहला एमपी में फर्स्ट कौन है, मध्य प्रदेश में पहला कौन है, कल ये टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है विद्यार्थियों? एमपी का पहला जिले वाइज, चलिए अब बेटा मैं अनूप बता दूंगा बालक को आपको क्लास के संबंध में, जैसी होगी बेटा या मॉर्निंग में, पर कल क्लास जरूर रहेगी, ठीक है? चलिए, मध्य प्रदेश योजना आयोग के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष चेतन कश्यप थे पहले, अब सचिन चतुर्वेदी हैं। करोगे? सचिन चतुर्वेदी जो है वर्तमान टाइमिंग में। नरहुना प्रशासनिक एकेडमी कहां पर है? भोपाल में।
और इसमें अपना मनीष जो है अध्यक्ष चुना गया। पिछड़ा वर्ग आयोग जेपी धनोपिया, ठीक है, अभी तक बेटा इस पद पर अभी कोई नहीं है क्योंकि ये पद से हट चुके हैं, ठीक है, और जो इससे पहले बने थे उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के नियाज मोहम्मद खान, इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी कि एससी आनंद, हमारे जो एससी समाज के लोग रहते हैं कैसा जीवन उनका, आनंदमय है, कैसे रहते हैं, आनंद के साथ। अब आ जाओ एमपी निर्वाचन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बीरा राणा, फर्स्ट महिला जो इस पद पर चुनी गई। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद अनिल कोठारी जो है एमपी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बताइए। तो शांतनु केमकर जो है मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है, राकेश सक्सेना जी हैं। औद्योगिक विकास निगम भोपाल में बनाई गई थी, डेट याद करना इसकी 1965 कब बनाए थे, 1965 में। विवेक पूरवाल जो हैं इसके सदस्य अध्यक्ष हैं। माँ नर्मदा छिप्रा मंदाकिनी, इसके अध्यक्ष बेटा नामदेव दास त्यागी, इन्हें कंप्यूटर बाबा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में ये जो पद है ना मेरे बालकों, इकबाल सिंह के पास है, क्या रहोगे, इकबाल सिंह जो है इसके पास। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट्स पर बेटे, यहां से पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल। तो अब मेरे साथ आप तैयार हो बेटे सभी लोग मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को पढ़ने के लिए, और सभी मेरे बाद मेरे बॉक्स में रखाना है ऐसा एक जी हाँ बेटे, सभी लोग जल्दी से मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के लिए तैयार हो जाओ। और बेटा आज से टेस्ट देना अच्छे से आप सभी, अब आ जाओ एमपी राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम यानी यहां पे कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अब आ जाओ वित्त और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, मतलब फाइनेंस और स्टेट जो डिपार्टमेंट है सांख्यिकी का वो किसके पास है, जगदीश देवड़ा। कहां से आते हैं, मल्हारगढ़ क्षेत्र विधानसभा से आते हैं। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, शिवपुरी। अब तुम ऐसे कैसे याद रख सकते हो इन्हें कि ये क्रिकेट की एकेडमी यहीं पर है, तो तुम क्या बोलोगे, यशोधरा राजे सिंधिया जो है एक क्रिकेट मैच खेलने आई थी कहां पर, शिवपुरी में। शिवपुरी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है, शिवपुरी को। मध्य प्रदेश की शिवनगरी किसे कहते हैं, शिवपुरी को कहा जाता है। एमपी की जो है शिवनगरी किसे कहते हैं, शिवपुरी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है, ये इंदौर से आती हैं, उषा ठाकुर। अब उषा कौन है, आयुष मंत्री भी हैं। उषा कौन है, आयुष मंत्री भी हैं। कहाँ से आती हैं, इंदौर के महू क्षेत्र से। नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह, ये सागर की खुरई विधानसभा क्षेत्र से मंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री कौन है, तो ये है अरविंद सिंह भदौरिया। कौन रखोगे, अरविंद सिंह भदौरिया। कहाँ से आते हैं, भिंड के अटेर से आते हैं। वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, एक सेकंड विद्यार्थियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन चुने गए हैं, तो विश्वास सारंग, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी इससे भी ये संबंधित है, नरेला इनका विधानसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, मोहन यादव। शिक्षा कौन देते हैं, मोहन यादव।
यादव समाज के लोगों के पास देखो बेटा स्वेच्छा है, उषा की सिलाई मशीन भी आती है। ओ माय गॉड, ऐसा क्या, ऐसा क्या, तुम तो आज बड़ी बात कह रहे हो यार, सिलाई मशीन भी आती है। देखो मोहन यादव शिक्षा मंत्री है, अच्छे से कर लेना बालकों इसको यार, एग्जाम में आएगा, उज्जैन से आते हैं, ठीक है, उज्जैन से आते हैं, ये पूछेगा तो भाई याद कर लेना, इनने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें की हैं तो पूछ लेगा। विश्वास सारंग को याद रखना, कोरोना के समय जो है सबसे ज़्यादा इनने जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनमें चर्चा में नाम रहा था, तो तुम्हारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, ऊर्जा। तो देखो ग्वालियर वालों के पास हमेशा क्या है, ऊर्जा। चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, देखो मेरे पास इतनी एनर्जी है, अगर तुम लोग को मैं चिल्ला दूँ ना तो तुम लोग ना सोती हुई अवस्था से जाग जाओगे, सिर्फ मैंने बोल दिया ना कुछ तो तुम सो भी रहे होंगे ना तो जग जाओगे। तुम्हारी नींद में मेरे पास है, सुबह का चैन भी मेरे पास है। अगर पता है 7 बजने वाले हैं तो उससे पहले याद आ जाती है, रूप सर की क्लास का टाइम हो गया, जग लो, ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि ऊर्जा किसके पास है, ग्वालियर वालों के पास। और कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कौन रखोगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये पश्चिमी ग्वालियर बोलते हैं अपन, वहाँ से गृह। अब देखो जो मिश्रा जी हैं उनने देखो गृह भी अपने पास रख लिया, संसद ही अपने पास रख लिया और जेल डिपार्टमेंट, तो देखो गांव भी उनका, जेल भी उनकी, किसके पास है, गृह मंत्री, जेल डिपार्टमेंट, संसदीय, नरोत्तम मिश्रा, दतिया विधानसभा क्षेत्र है इनकी। जल, अब जल काय में डाला जाता है, तुलसी में, तो तुलसी सिलावट कहाँ से आते हैं, इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र से, इनका क्षेत्र कौन सा है, सांवेर, सांवेर विधानसभा से ये चुने जाते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, अब देखो भाई अगर अपना स्वास्थ्य खराब हो तो भगवान नज़र कब आते, हे प्रभु ठीक कर दो, मैं जो है बीमार हो गया हूँ, तो देखो अपन को प्रभु याद आ जाते हैं, तो भाई कौन है स्वास्थ्य मंत्री आपका, प्रभुराम चौधरी, कहाँ से आते हैं, सांची से, सांची क्या है आपकी, ग्रीन सिटी है, सांची क्या है मेरे विद्यार्थियों, आपकी ग्रीन सिटी कौन सी, तो ग्रीन सिटी कौन सी है, सांची है। अब खाद्य एवं नागरिक मंत्री, देखो यार ये बिसाऊ लाल है, इनने क्या किया, जब चुनाव हुए थे तो इनने पैसे बांटे थे, तो देखो जो खाद्य होता है ना, जब भी हमें फूड खरीदना के ही खाना पड़ता है, तो भाई कौन खरीद के देगा, बिसुलाल चौधरी, कहाँ से आते हैं, अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से। अब पीडब्ल्यूडी, पब्लिक जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके पास है, गोपाल भार्गव, ये सागर की रैली से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और याद रखना इस जो अभी विधानसभा चल रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो इनका नाम पूछ सकता है। सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, ओम प्रकाश सकलेच्छा, जावत तहसील से आते हैं, नीमच की। चलिए बालक को इतने विधान याद करा पाया, खाना बेटा नितिन बासही खाना चाहिए, तभी जो है लंबाई बढ़ती है और सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, तो तुम बासा खाना आज से स्टार्ट कर दो, जल्दी याद रहेगा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, उद्यान मंत्री और नर्मदा घाटी मंत्री, ये राज्य मंत्री का पद है, भारत सिंह कुशवाहा को दिया गया है। पशुओं से प्रेम करो, तो प्रेम सिंह कहाँ से हैं, बड़वानी से। पर्यावरण और नवीनीकरण मंत्री कौन है, हरदीप सिंह डंग, सुभाषरा विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ पड़ता है सुभाषरा, मंदसौर में। खनिज मंत्री और श्रम मंत्री कौन है, बृजन प्रताप सिंह। अब पन्ना कैसा है, आपका खनिज क्षेत्र है और बृजन प्रताप सिंह जो है यहाँ से खनिज व श्रम मंत्री हैं। फिर पंचायत व ग्रामीण मंत्री, बामोरी टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ से मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की वन मंत्री कौन है, तो विजय शाह है।
विजय साहा जो है हरसूद, इनका विधानसभा क्षेत्र है। सूच ये तो हो चुका किसान कल्याण मंत्री, बेटा बहुत चर्चा में है किसान कल्याण मंत्री, बहुत चर्चा में है कमल पटेल है। इनने क्या किया, अभी हरदा में नया कृषि कॉलेज कहाँ खोला जाना है, तो आपका हरदा में कहाँ खोलेंगे विद्यार्थियों पर, हरदा डिस्ट्रिक्ट में नया कॉलेज खोलेंगे। आप एससी मानपुरा विधानसभा क्षेत्र, मानपुरा कहाँ से आता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, मीना सिंह मंडवे, मीना सिंह जो मंडवे हैं आदिम जाति कल्याण या एससी विभाग से आती हैं, और उमरिया विधानसभा, उमरिया के अंतर्गत मानपुर विधानसभा क्षेत्र है इनका। अब आ जाओ मध्य प्रदेश में लोकसभा में महिला कितनी चुनी गई थी, तो चार महिला बीजेपी से, रीति पाठक सीधी से हैं, हिमाद्री सैडोल से, संध्या राय भिंड से और प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, ये चार महिलाएं लोकसभा में इस साल चुनी गई थी। अब 2026 तक, 2020 में 26 तक का इनका कार्यकाल है। दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बीजेपी से गए थे और ये कांग्रेस से गए। इन्हें के पास कौन सा डिपार्टमेंट है अभी, ये उड़ियन मंत्री है। संपिता उइके, जावेद अकबर और जो है विवेक कृष्णा, ये 2016 में गए थे। इसके अलावा अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान और राजमणि पटेल, ये सभी 2018 में गए थे 2024 के लिए। थावरचंद गहलोत का नाम याद रखना, ये कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कौन रखोगे, कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर अभी ये हैं। तो बालको बेटा अभी ये पूरा नहीं हो पाया है, हमारा ये सेक्शन अभी अधूरा रह गया है, तो कल हम इस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जितना आपको कराया हूँ उतनी पीडीएफ फाइल मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी याद कर लेना। आप सभी को कहाँ से मिलेगी ये पीडीएफ फाइल, अनअकैडमी रूप सर से। कहाँ से लोगे आप, मेरे सारे विद्यार्थियों से, अनअकैडमी रूप सर टेलीग्राम से आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी रूप से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना बेटा, अभी बहुत सारा डेटा रह गया है। और मेरी क्लास है अनअकैडमी प्लस पर, तो मैं और आप अनअकैडमी प्लस पर मिलने वाले हैं। तो सभी मेरे विद्यार्थी जल्दी से आ जाओ, और आप सभी को प्रॉमिस है क्लास को शेयर जरूर करोगे, ठीक है। आपको सभी लोग जहाँ जहाँ फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर करना नहीं भूलोगे, आपको दो मिनट हैं जब तक शेयर कर आओ। और जो मेरे साथ प्लस स्पेशल क्लास ज्वाइन करने वाला है वो रूप से डालकर जल्दी से टेस्ट देने आ जाओ भाग के, ठीक है। चलिए।